जिन खानकाहों से, जिन खानकाहों में जाने से लोगों को विलायत मिल गई हो, जिस खानकाहों में जाने से लोग मुजद्दिद बन गए हों, जिस खानकाहों में जाने से लोग शरीयत के इमाम बन गए हों, वो खानकाह जब इस जात सैयद अमीन अल कादरी को आलिम बराक कहती है और उसके मुकाबले में खड़े होते जो इसका रद्द करे वो कितना बड़ा जालिम है। पूरी जिम्मेदारी के साथ आज वजीउद्दीन इस पैगाम को आम कर रहा है और पहुंचा देगा 250 किलोमीटर की दूर जमीन पर और यहां से 3 किलोमीटर की दूर जमीन पर कि साहब ये बातें करने से फायदा नहीं है कि मैं वारिसे जुब्बाए मौलाए कायनात हूं। अहम यह है मौलाए कायनात के जुब्बे को सर पर रख के मौलाए कायनात की हक परस्ती को बुलंद करो। जिस तरीके से हजरत हसन बसरी को नेजों से तो मारा गया, हक से पीछे नहीं थी। हजरत हसन बसरी को बसरा की जमीनों में कैद किया गया, हक से पीछे नहीं हटे। उसी तरीके से ये औलाद मौला अली पूरे हिंदुस्तान में मशरक आला हजरत की आवाज को बुलंद कर रही है और जो उसको रोकने आए वो जालिम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, दयारे करीब नवाज, फैजाने करीब नवाज। एक तारीख है, मसला ये है साहब कि हम 50 साल के ऊपर की तकबीर नहीं करते हैं। अरे पढ़ो तारीख इस्लाम की, इस्लाम क्या कहता है। हक की राह में निकले वो हजरत जुन्नून मिस्री को भी काफी बता दिया गया। और जब दुनिया से जाते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बगदाद की जमीन पर आके फरमाते हैं ए औलिया सो रहे हो मेरे जुन्नून मेरे पड़ते मंसूर हल्लाज भी हैं जो हक की राह पे मुस्कुराते हुए फांसी पे तो चढ़ गए लेकिन जालिमों के सामने झुके नहीं। साहब हक को पहचानने के लिए दिल कुशादा होना चाहिए। जब हमारा दिल सियाह हो जाएगा हम जो झूठी लफाजी करेंगे, मिसाल के तौर पे काजी शहर प्रतापगढ़ मुफ्ती फहीम अख्तर मिसबाही अजहरी साहब ने मुझको दावत दी, मैं प्रतापगढ़ की जमीन पे आया। अब मुझको ये देखना है कि मेरी यहाँ दुकान कैसे चलेगी, मेरे आप हाथ कैसे चूमोगे, आप अपने घर कैसे ले जाओगे, आप 5,000 रुपए फातिहा कैसे हमको दोगे, ये देखना होगा तो फहीम अख्तर साहब की हम गुलामी करेंगे और अगर हमको हक देखना होगा तो हम फहीम अख्तर के हक के साथ खड़े होंगे ना कि इनकी बदलियत के साथ खड़े होंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ हमको वो पैगाम बरेली की जमीन से इमाम ने इसको मोहब्बत में दे दिया। अगर मेरा बेटा हुज्जतुल इस्लाम इस लायक ना हो तो मेरी जनाजे की नमाज सदरुल शरिया पढ़ाए, मेरी जनाजे की नमाज सदरुल शरिया पढ़ाए, जिसका बाप मुजद्दिद आजम, जिसकी औलाद वली कामिल। ये कानून बतलाना चाहता कयामत तक की बेटा अगर वली भी है तो भी उसको ये पाबंद कर दो कि वो गलत राह पर ना जा पाए। अब तो साहब घर के घर में बेटा पैदा हुआ, अभी 6 महीने का भी ना हुआ, शुरुआत चटाई भी ना हुई, मुरीदीन खड़े हुए घर में वली आ गया। विलायत को खेल समझते हो? अरे विलायत हासिल करने के लिए इंसानों ने पूरी जिंदगी जाय कर दी अल्लाह की इबादत में। अल्लाह अल्लाह करते रहे, रसूल रसूल करते रहे, विलायत से महरूम रहे। साहब ये कोई परचून की दुकान नहीं है कि हम आज मालिक बने बैठे हैं तो कल बेटा बन जाएगा। ये विलायत है, विलायत। हजरत नूह अगर नबी है तो बेटा काफिर है, हजरत माविया अगर साहबी है तो बेटा काफिर है। ये खेल खानदान से नहीं चलते हैं, ये खेल इश्क मुस्तफा से चलते हैं। तो लिख लो आज मेरी बात, हक और बातिल को पहचानना हो तो नुस्खा दे रहा हूं हक और बातिल को पहचानने के लिए। एक बड़ी जमात जिस आलिम की मुखालफत में खड़ी हो जाए समझ लेना वो अमीन उल कादरी हक के ऊपर है और पूरी जमात में से किसी को वारिस मौला जुब्बे कायनात बता दे ये देख लेना घर में मारा की है।
वाखर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम।